आज 3 राउंड्स थे और मैं उसमें से 2 जीत गई आज। साथ का कंपटीटर कैसा था? बहुत अच्छे कंपटीटर्स। और कैसा आगे उसका रिस्पांस कैसा था काम खेलने में? अच्छा खेलते थे और मैं लास्ट गेम में हार गया था, लेकिन कंपटीटर ने गलती कर दी। आई हैव कम अलोंग विद माय ग्रैंडसन हु हैज कम हियर फॉर द चेस टूर्नामेंट। This is a very good initiative taken by Punjab KC. We are very thankful to the Punjab KC people. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को चेस को आगे बढ़ाने का। अभी तक जैसे क्रिकेट को प्रमोट करते रहे हैं, ये उसी लेवल पे चेस को लेके जा रहे हैं। फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू द पंजाब KC people. वेल डन। कोई मैसेज देना चाहते हैं सर आप? मैसेज यही है कि ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक्सपोजर होता है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दे रहे हैं। मेरा बेटा ये चेस टूर्नामेंट में अंडर 13 बॉयज खेल रहा है। पंजाब केसरी ने आज हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है अपने बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर लाने के लिए। काफ़ी सालों बाद ये टूर्नामेंट अब हो रहा है। हम लुधियाना से स्पेशली जलंधर आए हैं जस्ट फॉर द टूर्नामेंट। एंड चेस इज़ अ गुड गेम जो एक ब्रेन एक्सरसाइज है एंड बहुत कम लोग इसे समझते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू पंजाब केसरी जो इस चीज़ को समझ कर हमारे बच्चों को एक मौका देते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और आई विश वो हर साल ये करते रहे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करें ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ऐसा हो। ये कोरोना काल में ये चेस कंपटीशन बंद हो गया था जो आज SD कॉलेज में स्टार्ट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा आज अनुभव रहा है बच्चों के लिए कि इन्होंने मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है बच्चों के लिए और बच्चों को बहुत एनकरेज हो रहा है कि आगे के बढ़ने के लिए, साथ में कंपटीशन के साथ में खेलने के लिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज है। आपका बेटा अंडर 9 में खेल रहा है? मेरा बेटा ओके जैन अंडर 9 में खेल रहा है। लूडो खेलते थे लॉकडाउन में तो इसको मैंने चेस की आदत डाली है। अब अच्छा है कि लूडो की वजह ये चेस खेल रहा है, उसको देश के लिए खेलेगा फ्यूचर में। कोई मैसेज देना चाहते हो सर आप बच्चों? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं आपस में, बढ़ रहे हैं, तो इनका फ्रेंड है तो खेलना है आपने, अच्छा लग रहा है आपको। ये 3 मैचेस जीत चुका है, 3 मैचेस हुए अभी तक और ये 3 मैचेस। आज हम आए थे बच्चों को लेके यहाँ पे चेस कंपटीशन में जो SD मॉडल स्कूल जलंधर में हो रहा है। अच्छा कंपटीशन है, बच्चे हैं छोटे, 3 साल बाद ये कंपटीशन हुआ है पहले तो, क्योंकि 2019 में लास्ट टाइम ये खेले थे दोनों। अब 2022 आफ्टर द कोविड आए हैं, अच्छा लगा बच्चों को, सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे। 3 राउंड हो गए आज, 2 कल नहीं। तो आपका बेटा कैसे? दोनों खेलते हैं ये अंडर 9 में। पंजाब केसरी का ये 19th टूर्नामेंट है और पंजाब केसरी ने 18th टूर्नामेंट करवा चुके हैं जो कोविड के कारण हमारे यहाँ पे कुछ गैप पड़ा, जिसके बाद अब दोबारा से शुरू हुआ। मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट था ये, जिसकी हम सभी, हमारे चेस से रिलेटेड जितने प्लेयर्स हैं, जो लोग हैं, वो सभी इसकी बड़ी वेट कर रहे थे। तो ये टूर्नामेंट एक्चुअली अभी जो प्लान है वो प्लान काफ़ी बड़ा है पंजाब केसरी का। अभी हमने जलंधर में शुरू किया है, इसके बाद हमने अमृतसर, लुधियाना और डिफरेंट जगह पे जाके हमें जो पंजाब के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके हम करवाएंगे। इसके बाद आउट ऑफ स्टेट भी प्लान है। लास्ट हमने अम्बाला में भी करवाया था बिफोर कोविड। अभी प्लान बड़ा है, लेट्स होप कि ये कंटिन्यू रहता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और इस बार के इवेंट में ये है कि इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हमें अलाउ किए हैं, अमृतसर और जलंधर, लुधियाना हो गए, और इसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट और हैं, फगवाड़ा, कपूरथला, होशियारपुर। तो उसके अलावा हमारे पास बच्चों का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, हमने 6 दिन के लिए ओपन किया था, 24th, 25th से लेके 29th तक के लिए, लेकिन 200 एंट्री मैक्सिमम लेनी थी, लेकिन संडे को हमारी पहली ऐड आई और संडे को
विद इन फ्यू आवर्स, मतलब 11:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि हमें क्लोज करना पड़ रहा है, कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है। तो 200 एंट्री ऑलरेडी कम्प्लीट हो गई, हमारे रिसोर्सेज इतने थे, लेकिन हमारे पास फिर अल्टीमेटली इतने ज़्यादा कॉल्स आए तो हमें फिर कुछ एक्सपेंशन करनी पड़ी। तो हमने 250 तक जो बच्चे हैं उनको हमने एंटरटेन किया है, 50 हमें एक्स्ट्रा लेके चलने पड़े हैं। सर टोटल बच्चे कितने आ चुके हैं और कितने पार्टिसिपेट किए? हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी वो 240 की पूरी रजिस्ट्रेशन थी। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और आज शुरू हुआ है? आज से स्टार्ट है, कल ख़त्म होगा। आज 3 राउंड्स होंगे, कल 2 राउंड्स होंगे। कोई संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? बस बच्चों के लिए, बच्चों को है कि ये चेस ये ऐसी चीज़ है जो माइंड के लिए इवन आपके मतलब एजुकेशन में इतनी हेल्पफुल है, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी प्लानिंग, आपका जो फार साइटेडनेस है, ओपोनेंट की जो मूव्स है देख के अपनी प्लानिंग करनी है, कब आपको आगे बढ़ना है कब पीछे हटना, मतलब लाइफ को कैसे जीना है ना, वो हम चेस से भी सीख सकते हैं।